What? Burn it down. Burn it. जानकारियां मुझे मिली और आप अगर वो जानकारियां देखना चाहें तो मेरे पास ऐसे चार फोटोग्राफ हैं जो पंडित नेहरू की धज्जियां उड़ा सकते हैं इस देश में। उनमें से दो फोटोग्राफ तो अभी छप चुके हैं। आपने अगर 15 अगस्त 1997 की इंडिया टुडे पढ़ी हो और नहीं पढ़ी हो तो जरूर खरीद लीजिए, कहीं से मिल जाए तो। उस 15 अगस्त 1997 की इंडिया टुडे में पंडित नेहरू के दो फोटोग्राफ छपे हैं और उन दोनों फोटोग्राफ को देखने के बाद किसी भी शर्मदार आदमी की आंखें शर्म से नीचे झुक जाएंगी। वो उस आदमी के वो दृश्य हैं उसमें। कोई भी शर्मदार आदमी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। इसलिए कांग्रेस में पंडित नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन पंडित नेहरू को सबसे ज्यादा पसंद करते थे अंग्रेज और लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को तो बाकायदा भेजा गया था पंडित नेहरू को फंसाने के लिए और पंडित नेहरू उसमें फंसे थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेज पंडित नेहरू को पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू के बारे में सभी अंग्रेज ये कहा करते थे कि ये आदमी शरीर से हिंदुस्तानी है लेकिन इसकी आत्मा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दे दो तो कोई वादा नहीं है, अंग्रेजों का ही शासन इस देश में चलता रहेगा। इसलिए अंग्रेज पंडित नेहरू को पसंद करते थे और अंग्रेज चूंकि पंडित नेहरू को पसंद करते थे तो बाकायदा पंडित नेहरू की छवि अखबारों में बनाई गई थी मीडिया हाइप के आधार पर। इस देश के जन नेता नहीं थे वो। जन नेता होते तो क्यों 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े और क्यों एक ही वोट पंडित नेहरू के पक्ष में पड़ा? और जब पंडित नेहरू ने समझ लिया और देख लिया कि अब दाल गलने वाली नहीं है, मैं चुनाव भी हार गया हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरी मेजोरिटी भी नहीं रही है, तो पंडित नेहरू गए गांधी जी के पास और ये गांधी जी की जीवन की सबसे ब्लंडर मिस्टेक मैं मानता हूं जो हुई। क्या किया? पंडित नेहरू गए बापू के पास और बापू को उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बापू, अगर मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा और अगर कांग्रेस टूट जाएगी तो अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे। फिर उनको यह बहाना मिल जाएगा कि कौन सी कांग्रेस को हम सत्ता दें, जो कांग्रेस पंडित नेहरू वाली है उसको सत्ता दें या जो पंडित नेहरू के बाहर की कांग्रेस है उसको सत्ता दें। तो बापू पंडित नेहरू की इस ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए और बापू ने पर्सनल चिट्ठी लिखी। वो पर्सनल चिट्ठी गांधी जी के रिकॉर्ड्स में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। गांधी वांग्मय के 100 अंक हैं जो भारत सरकार ने छापे और गांधी वांग्मय के 100 अंकों के जो लास्ट फेज के अंक हैं उनके आधार पर एक किताब छपी है जिसका नाम है पूर्ण आहुति और प्यारे लाल जी ने वो किताब लिखी है। प्यारे लाल जी गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे तो प्यारे लाल जी ने पूर्ण आहुति में वो चिट्ठी छापी है जो गांधी जी ने पटेल को लिखी थी। क्या चिट्ठी है? कि सरदार पटेल, मैं जानता हूं कि तुम जीत गए हो लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस ले लो अपना नाम। सरदार पटेल ने बापू से सीधे मिलकर कहा कि बापू, ये आपकी अगर अंतरात्मा है तो मैं तो हमेशा आपका सेवक रहा हूं, आप कहते हो तो मैं अपना नाम वापस ले लेता हूं। और सरदार पटेल ने इतनी दरिया दिली दिखाई, गांधी जी ने उनसे यही कहा था कि नेहरू इस समय सत्ता के मद में अंधा हो गया है और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहा है और अगर इस समय कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज जाएंगे नहीं, उनको बहाना मिल जाएगा कि हिंदुस्तान में हम कौन सी कांग्रेस को सत्ता सौंपें, कौन सी कांग्रेस को ना दें। इसलिए अंग्रेजों को यह बहाना ना मिलने पाए, कांग्रेस ना टूटने पाए, तो मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं कि तुम तुम्हारा नाम वापस ले लो। तब सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लिया और इस तरह पंडित नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। किस तरह की चालबाजी से हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री अपने पद तक पहुंचा, आप सोचिए जरा। इससे कम चालबाजियां आज चलती हैं क्या कांग्रेस में?
ऐसी ही चालबाजियां तो आज चलती हैं कांग्रेस। यह कांग्रेस का चरित्र है, चालबाजियां करने का कांग्रेस का चरित्र है, और उसी चरित्र में से यह पार्टी निकली है। और इसलिए इस पार्टी को अपने सत्यानाश और दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। यह वही पार्टी है जो 1885 में बनी थी, और इस पार्टी के बनने का इतिहास भी गजब का है। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक अंग्रेज व्यक्ति ने बनाया था, एओ ह्यूम उसका नाम था। और कांग्रेस की जब बंबई में स्थापना हुई 1885 में गोकुलदास तेजपाल भवन में, तो बाकायदा कांग्रेस का जो प्रियम्बुल लिखा गया था वो क्या था कि कांग्रेस पार्टी एक मनोरंजन क्लब के रूप में स्थापित हुई थी इस देश में, मौज मस्ती का क्लब था। और अंग्रेज क्या कहा करते थे कि इस कांग्रेस पार्टी में ऐसे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को हम जमा कर देंगे जो हिंदुस्तानियों के मन में थोड़ा बलबला है, और वो बलबला इस पार्टी में निकल आएगा तो फूट कर बाहर निकल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज कहा करते थे कि ये सेफ्टी वॉल्व है, फ्यूज की तरह से उड़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस की नींव पड़ी, ऐसे नींव पड़ी है इस पार्टी की। और दुर्दिन तो इस पार्टी को देखने ही थे। मैं आपको पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अगर महात्मा गांधी ना आए होते साउथ अफ्रीका से, तो कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं था इस देश में, कोई जानता भी नहीं था कि कांग्रेस है और नहीं भी है। गांधी जी ने आके इसमें प्राण फूके थे, और गांधी जी ने आके इसको जन आंदोलन का रूप दिया था। बाद में गांधी जी खुद इतने दुखी हुए कि उन्होंने आजीवन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और बाद में गांधी जी कांग्रेस पार्टी में मेंबर तक नहीं रहे। और अंत में जीवन के आखिरी दिनों में गांधी जी ने यह बहुत स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। क्यों? गांधी जी कहा करते थे कि अगर इस कांग्रेस को खत्म नहीं किया तो यह हिंदुस्तान को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेज इस देश को लूटते रहे। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कांग्रेस तो खत्म नहीं की, गांधी को खत्म करवा दिया, क्योंकि गांधी उनके रास्ते की रुकावट बनने लगे थे। और बाद में जब कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो आज आप उसका हश्र देख रहे हैं। हिंदुस्तान में घोटाले दर घोटाले इस पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है। और गांधी जी यही कहा करते थे कि अगर यह कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो देश को ऐसे लूटेगी जैसे अंग्रेज लूटा करते थे। वही बात आज गांधी जी की सत्य सिद्ध हो रही है इस देश में। और ऐसे धोखाधड़ी से, ऐसे 400 बीसी के काम से पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ऐसी धोखाधड़ी से अगर इस देश की आजादी आई हो तो वो आजादी आजादी है कहां? और इसलिए गांधी जी 14 अगस्त 1947 की रात को दिल्ली में नहीं आए थे, वो नोआखली में थे। और कांग्रेस के बड़े नेता गांधी को बुलाने के लिए गए थे कि बापू चलिए आप, गांधी ने मना कर दिया था। क्यों? गांधी कहते थे कि मैं मानता नहीं कि कोई आजादी आ रही है। और गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि यह आजादी नहीं आ रही है, सत्ता के हस्तांतरण का समझौता हो रहा है, आजादी नहीं आ रही है। और गांधी जी ने नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया था, वो प्रेस स्टेटमेंट भी पूर्णाहुति में छपा है पूरा का पूरा। उस प्रेस स्टेटमेंट गांधी जी ने पहले ही वाक्य में यह कहा कि मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित आजादी सो कॉल्ड फ्रीडम आ रही है, ये मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग हस्तांतरण के चक्कर में फंसकर लाए हैं। मैं मानता नहीं कि इस देश में कोई आजादी आई। और इसलिए गांधी आए नहीं थे 14 अगस्त रात 1947 को दिल्ली में नहीं थे, नोआखाली में थे। माने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की नींव रखी हो, वो आदमी दिल्ली में मौजूद नहीं था 14 अगस्त 1947 की रात को। क्यों? इसके गंभीर अर्थ हैं, गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। और 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है, 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है, वो आजादी नहीं आई,
ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट और इंडिपेंडेंस ये दो अलग चीजें हैं।